ईद का गोश्त होता है ना, उसमें स्मेल आती है कभी कभी, तो उसको हमने इसमें पानी और नमक में डाल दिया, डाल देंगे उबलाने के लिए, फिर उसका स्मेल भी चला जाएगा, चर्बी जो है वो उतर जाएगी और झाग आ जाएगा, फिर वो उसको फेंक कर फिर हम उसको गोश्त को खाने के लिए डाल देंगे। सारे जो मेल और गंद है ना साइडों पर आ गया, दिख रहा है कितना गंद है, स्मेल भी बहुत बुरी आ रही है, दिख रहा है। गोश्त के लिए उबला हुआ पानी चाहिए, ठंडा नहीं डालना वरना श्रिंक हो जाएगा, इसलिए गोश्त के लिए मैं अभी ये चार प्याज डाल दिया, दो टमाटर डाल देंगे, अब इसको सारा ऐसे दम उबले पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जीरा, ये दो चम्मच लहसुन अदरक और ये धनिया और जीरा पिसा हुआ था, सूखा धनिया भुना हुआ, ये हल्दी और वो लाल कुटी हुई मिर्च पिसी हुई, नमक का पानी डाल देंगे, हल्की आग पर छोड़ देंगे। अभी वो प्याज मोटा है इसलिए वो खुद गल जाएगा। अभी हम एक चुकंदर तोड़ने वाले, एक तो नहीं ज्यादा, लेकिन देखिए लाल लाल, पहले भी बहुत तोड़े थे अभी भी है, और इसके बाद हम खीरा भी तोड़ेंगे और फिर इधर मूली लगाएंगे। हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा, इसकी जो बेलें हैं बहुत लंबी हो गई हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि हम इसको सेपरेटली उतारेंगे और ज़मीन पर रखेंगे तो फिर ये उग जाएगा, इस ये ऐसे नहीं उगेगा, हम ज़मीन पर डालेंगे तो वो स्ट्रॉबेरी उग जाएंगी इस पर। इधर भी देखिए कितना अच्छा लगा, इस दफ़ा क्यूकम्बर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए, क्यूकम्बर के साथ बहुत अच्छा हैप्पी हो गए। इसको ट्विस्ट करके टेक्निक ऐसे उतारने का, तो वो उसकी जो ऊपर से जो जिसका अटैच हो रहा है वो डंडी ना टूट जाए, इसको फोर्स से पुल करने से। दो पहले थोड़े तोड़ दिया, चार हो गए। हाँ चार उतर गए हमारे, चार पक गए, इसके की लग रहे हाथ पे इतने वो है शार्प। पुलाव बिरयानी के लिए अभी हमने तेल डाल दिया, अभी प्याज डाल देंगे, उसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं बस हलाते रहना थोड़ा सा। एक और पतीले में ट्रांसफर कर लिया था, अभी हम एक मसाला ये शान मसाले का पुलाव बिरयानी डालेंगे, इसलिए हम तो वैसे घर पर सारा डाल दिया था, लेकिन ये ज़्यादा टेस्ट करने के लिए और उसको बहुत फ्लेवर और खुशबू देने के लिए डाल दिया। हमने अभी चावल को उबालने के लिए रख दिया, सिर्फ आधा करेंगे, फिर इसको सालन के साथ मिक्स करके फिर तब उसको फुल पकाएंगे। मैं एक कप के करीब पानी रह गया तो आधा कप दही डाल देंगे, फिर चावल डाल देंगे। हमने इसको सही से मिक्स करके ये चावल डाल देंगे, इसका पानी हमने निकाल दिया। आधा उबालना आपको जरूर, आप नहीं मिक्स करना इसके, वरना ऐसे बिरयानी का नहीं बनेगा, ऐसे पूरा कोई शोरी बन जाएगा। तो अभी इसके ऊपर हम रंग डाल देंगे जैसे हमने बिरयानी में करा था, और फिर इसको दम के लिए ओवन के अंदर छोड़ देंगे, आप चूल्हे पर भी कर सकते हो। अंदर प्याज नहीं डाला था तो अभी हम तेल और प्याज डालेंगे, और ये जो ये रंग जो अभी डाला वो पाउडर में ऐसे ही डाल दिया, वरना ज़्यादा से ज़्यादा वो दही के नहीं दही नहीं दूध के अंदर डालकर मिक्स करते हैं। कप ऑयल था जो इसके अंदर था, इसलिए वो गोश्त का खुटका निकल गया था। चावल को खुले बर्तन में बनाना चाहिए, वरना खुले खिले खिले नहीं बनते, अच्छे नहीं पकते। तो अभी इसके ऊपर ऑयल डाल दिया और दम दे देंगे इसको, तो आपको बाद में मिलते हैं 15-15 मिनट के लिए। हाँ अभी आपको मिलते हैं तब ये पक जाएगा। साथ में हम रायता बना रहे, तो अभी इस कूटने की चीज़ में हमने पुदीना डाला जो हमने गार्डन से निकाला, ये थोड़े से इसके ऐसे प्याज चार पांच, और ये एक जवा लहसुन डाल दिया और एक लाल मिर्च, तो अभी और ज़ीरा भी, और फिर इसको हम कूटेंगे, फिर दही में भी डाल देंगे, नमक भी ऐड करेंगे। ये जो धनिया के पत्ते जो होते हैं उससे वज़न कम होता है, लेकिन जो इसकी डंडी होती है उससे मोटा होता है, तो अगर किसी का वज़न कम हो और बढ़ नहीं रहा तो वो ज़रूर ऐसे डंडियों का कावा बना सकता है, या खानों में इसकी डंडियाँ डाल सकते हैं। हमारी ये पुलाव बिरयानी पक गई, 15 मिनट हो गया, तो अभी इसको उतार कर मिक्स करेंगे,
और ना आज जुम्मे का दिन है तो असर से मगरिब तक आपको पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलि वसल्लम तस्लीमा। इसको मसल्ले पर बैठकर पढ़ना चाहिए तो आपके 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, 80 साल के रिवॉर्ड मिलता है आपको और 80 साल दर्जात बुलंद होता है। मुझे सही से बोलना नहीं आ रहा लेकिन ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आपके पास फैमिली और आपको ऐसे खाना बनाना होता है, आपके पास टाइम नहीं है मसाले पर बैठकर ये पढ़ने का, तो आप खाना बनाते बनाते या काम करते करते भी कर सकते हो, इसलिए आपके फिर खाने में भी बरकत आ जाती है। तो देखिए कितना अच्छा हमारा कलर आ गया बिरयानी का, वाह। तेल का अमाउंट भी परफेक्ट है, इसलिए ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लोग तो पुलाव बिरयानी का चिकन से बनाते हैं ना, लेकिन हम गोश्त खाते हैं इसलिए इसके साथ गोश्त हमें अच्छा लगता है ज़्यादा। चिकन की भी बिरयानी बनती है, गोश्त की भी, लेकिन आपके प्रेफरेंस के ऊपर होता है कि आपको कौन सा चाहिए, अच्छा लगता है आपको। अभी हमने बिरयानी को नहीं पुलाव बिरयानी को सजा दिया, ये हमने साथ में जो हमने कूटा था पुदीना वो चीज़ इसके अंदर हमने दही मिला दिया था, और ये प्याज और ये पुदीना इसने धनिया और इसमें पुदीना था, तो अभी ये इसके साथ खा सकते हैं।